2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और चाहते हो कि गणित वो सब्जेक्ट रहे जहां पर बिना किसी टेंशन के आप 90 प्लस फोड़ के आओ, 95 प्लस फोड़ के आओ और टारगेट बना के चलो कि इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में 100 लेके आना है, इस तरीके की तैयारी आपको करनी है। अगर आप चाहते हो कि हजारों हजार स्टूडेंट की तरह जहां पर बच्चों ने बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाए आप भी उनमें से एक हो जाओ, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, मेरे साथ पूरा साल तक बने रहना है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके 2025 में भाई साहब पेपर किस तरीके से आएगा, 2025 के लिए आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है, फुल प्रूफ गारंटेड स्ट्रेटजी क्या रहेगी, बहुत ही सिंपल छोटी सी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा खींच दूंगा इस स्ट्रेटजी को, एकदम हर एक तरीके से सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है। और हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का M4M क्लासेस में, मेरा नाम है मुकुंद। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम लोग कि कक्षा 12 गणित का आपका कंप्लीट सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, भाई जब पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है तो और कंप्लीट सिलेबस जो रहेगा वो फॉर ऑल इंडिया स्टेट बोर्ड, जितने भी आपके स्टेट बोर्ड हैं सभी के लिए, और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी यही आपका रहता है। तो सभी जो स्टेट बोर्ड है, चाहे फिर वो यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूके, हर एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ये वीडियो फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं और आपको एंड तक रुकना है क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन सा सरप्राइज भी है इस वीडियो के अंतर्गत और वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। भाई जब सरप्राइज आपका लोडिंग हो रहा है इस बात को देख बता दें। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके कक्षा 12 गणित में दो किताबें चलती है, बुक वन एंड बुक टू। तो हम लोग कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं भाई साहब बुक वन का और बुक टू का कि किस तरीके से रहने वाला है। अगर आपको बात करें अध्याय की तो बुक वन में 6 अध्याय रहते हैं और बुक टू में आपके 7 अध्याय रहते हैं। 6 पाठ आपके बुक वन में है, किताब वन में, और 7 अध्याय आपके बुक टू में है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास टोटल जो है 13 अध्याय हो जाते हैं, यानी कि आपको मात्र और मात्र 13 ही अध्याय पढ़ने हैं, 13 ही पाठ का अध्ययन करना है। और साथ ही अगर मैं बात करूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये प्रचंड बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है इस बार से, जहां पर आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम से कम फीस के दौरान। देखिए आपकी स्टडी के लिए जो वीडियो लेक्चर आपको मिल रहे हैं वो कंप्लीटली फ्री रहने वाले हैं, उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई रोक टोक नहीं रहने वाली है, आप उनका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यदि आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, कुछ अतिरिक्त चाहते हैं आपकी अपनी पढ़ाई के लिए, जैसे कि स्टडी मटेरियल, आपके नोट्स आपको चाहिए, या आप चाहते हैं कि पिछले साल के जो पेपर है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप हमारा प्रचंड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, प्रचंड पीडीएफ बैच, इसकी फीस मात्र और मात्र 299 रुपीज है। और इस मामूली फीस के अंतर्गत आपको कंप्लीट कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखने के लिए मिल जाएंगे और आपको लास्ट ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएंगे यूपी बोर्ड के। खास तौर से मैं अगर बात करूं तो लास्ट ईयर सॉल्व पेपर जो आपको देखने मिलेंगे, आपको जो मिलते हैं वो यूपी बोर्ड के लिए मिलते हैं, और इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं 6393666619 के अंतर्गत। अगर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करते हैं, फीस आपकी मामूली से मामूली रखी गई है, और आप हर एक स्टूडेंट की तरह जिन्होंने पहले इस बैच का भरपूर फायदा उठाया है और भरपूर लाभ लिया है, क्योंकि यदि आप तैयारी करते हैं मेरे साथ, अगर आप तैयारी करते हैं इस बैच के साथ, तो आपके गारंटेड 90 प्लस 95 प्लस नंबर यहां से आना पक्का पक्का बात है। अगर मैं बात करूं भाई सिलेबस की, तो सिलेबस में आपकी जो बुक वन है, जैसे कि आपको पता है बुक वन दो बुक किताबें चलनी है, तो बुक वन में जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास 6 अध्याय रहने वाले, और अगर मैं बात करूं पहला अध्याय, तो पहला अध्याय जो आपको देखने के लिए मिलता है वो आपका रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, बहुत ही अच्छा अध्याय है, बच्चों को काफी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, लेकिन अगर यहां से आप तैयारी कर रहे हैं तो 1% की भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर मैं बात करूं सेकंड चैप्टर की, तो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ही सिंपल बहुत ही छोटा आपका ये अध्याय है, और इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 10 लाख से अधिक बच्चों ने इस वीडियो पे प्यार दिखाया है। इसी प्रकार संबंध एवं फलन के लिए भी 10 लाख 12 लाख से भी अधिक बच्चों ने इस वीडियो पे प्यार दिखाया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तीसरा आव्यूह और चौथा जो चैप्टर है वो मेरा सारणिक,
ये दोनों अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो आपकी किताब के बहुत ही ज्यादा सरल अध्याय में से एक आते हैं, आव्यूह और मैट्रिक्स। तो इनकी आपको जब तैयारी कराई जाएगी तो आपको बहुत मजा आता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपके सरल अध्याय। फिर अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 5 की, सांतत्य तथा अवकलनीयता, भाई साहब चैप्टर नंबर 5 से एक ऐसे यूनिट की स्टार्ट हो जाती है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि है कैलकुलस, यानी कि कलन। और कैलकुलस के अंतर्गत आपका जो अध्याय आता है वो होता है आपका 5, 6, 7, 8, 9। ये 5 चैप्टर आपकी किताब की जान है, आपकी गणित की जान है, 5, 6, 7, 8, 9। क्योंकि आपका जो पेपर बनने वाला है 50 नंबर यहीं से आते हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो आपके पास 13 चैप्टर होते हैं जिसमें से 5 चैप्टर आपको 50 नंबर देकर जाते हैं, इसीलिए कैलकुलस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर हम लोग भरपूर तैयारी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता, और फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इस तरीके से ये आपके बुक 1 के अंतर्गत 6 अध्याय हो जाते हैं जिसकी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बुक 2 की। तो बुक 2 में जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 अध्याय है, ठीक है ना, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये 7 अध्याय हम लोग बुक 2 के अंतर्गत पढ़ते हैं, जहां पर आपका जो पहला अध्याय रहता है समाकलन वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये चैप्टर रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। आपका सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट है वो भी यही पार्ट है, पूरी किताब में सबसे ज्यादा सवाल आपको कहीं देखने के लिए मिलते हैं तो वो इसी पार्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो समाकलन पर आपको बहुत ही ज्यादा जोर देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, समाकलन आपके गणित की जान है, क्योंकि अगर आपका 7वां चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा तो आपका 8वां भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका 9वां भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो कैलकुलस 5, 6, 7, 8, 9 आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। इसके बाद जो आपको 8वां चैप्टर देखने के लिए मिलता है वो है समाकलनों के अनुप्रयोग। जिस प्रकार से आपका 7वां चैप्टर पूरी किताब का सबसे बड़ा पार्ट है, उसी प्रकार से समाकलनों के अनुप्रयोग आपकी पूरी किताब का सबसे छोटा पार्ट। आपको सबसे ज्यादा सवाल जो देखने के लिए मिलेंगे वो चैप्टर नंबर 7 में देखने के लिए मिलेंगे, आपको सबसे कम जो सवाल देखने के लिए मिलेंगे वो चैप्टर नंबर 8 में देखने के लिए मिलेंगे। फिर आता है हमारे चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वेक्टर पर, तो चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित आपको देखने के लिए मिलता है। फिर चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति आपको ये पढ़ना है, और ये दोनों ही चैप्टर आपके वेक्टर वाले पोर्शन के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे काफी आपके नंबर यहां से खींचते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत ही सरल चैप्टर होते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामर, यहां से एक क्वेश्चन 110% आना फिक्स रहता है, मतलब यहां से एक सवाल तो आता ही आता है। फिर आपका अंतिम अध्याय हो जाता है वो हो जाता है चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस रहने वाला है कंप्लीट सिलेबस, जहां पर 13 के 13 अध्याय इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ये कंप्लीट 13 अध्याय आपको पढ़ाए जाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिट वाइज, आपने अभी तो देखा चैप्टर वाइज है ना, यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं चैप्टर्स किस तरीके से रहते हैं, तो आपकी जो बुक 1 एंड बुक 2 है उनको 6 यूनिट में बांटा गया है। भाई साहब यहां पर आपको 6 यूनिट देखने के लिए मिलती है, यूनिट 6 है और उसके हिसाब से आपके चैप्टर रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले यूनिट की, तो पहले यूनिट का नाम है भाई संबंध एवं फलन, संबंध तथा फलन। इसके अंदर का जो आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है उसको रखा गया है, और यहां से आपको कुल मिलाकर लगभग लगभग 10 नंबर के सवाल बनते हैं, लगभग लगभग ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो आपकी पहली यूनिट है उसका नाम है संबंध तथा फलन, इसके अंतर्गत आपको 2 चैप्टर रहते हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, और यहां से लगभग लगभग 10 नंबर के सवाल आपके बनते हैं। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 है आपका बीजगणित यानी कि एलजेब्रा, और यहां पर आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 देखने के लिए मिलते हैं। अब यहां पर पहला जो यूनिट है यहां से आपके 10 नंबर बन जाते हैं, दूसरे यूनिट से आपके 13 नंबर के आसपास का लगभग लगभग की बात होती है, हर बार ऐसा सही नहीं होता, ठीक है ना, ऊपर नीचे बात बनी ही रहती है। तो चैप्टर नंबर 3 और 4 यानी कि यूनिट 2 बीजगणित एलजेब्रा यहां से आपका लगभग 13 नंबर का बनता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरी जो यूनिट है जो आपकी किताब की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है कलन यानी कि कैलकुलस। अब यहां पर आपके 5 चैप्टर रहते हैं, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, और यहां से लगभग आपका 44 नंबर का बनता है पेपर,
और अगर मैं बात कर रहा हूं ये इस यूनिट की, तो जैसे मैंने आपसे कहा ये यूनिट आपकी पूरी किताब की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये आपके नंबर कवर करते हैं। इस यूनिट को आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, 5, 6, 7, 8, 9 इनको बहुत बढ़िया तरीके से आपको कवर कर लेना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 4 जिसको हम लोग कहते हैं सदस्य तथा त्रिविमीय जयंती, इसके अंतर्गत आपके 2 अध्याय आते हैं, चैप्टर नंबर 10 और 11। और ये जो यूनिट है, ये जो 2 अध्याय है, ये लगभग लगभग 17 नंबर के बनते हैं, लगभग लमसम 17 नंबर के बनते हैं। अगर मैं बात करूं अगली जो यूनिट आपकी बनती है यूनिट नंबर 5, वो होती है रैखिक प्रोग्रामन, जिसके अंतर्गत आपका अध्याय नंबर 12 आता है, और लगभग यहाँ से 6 नंबर के आपके सवाल देखने के लिए मिलते हैं आपको। और अंतिम जो यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है 6वीं यूनिट, वो होती है प्रायिकता वाली, प्रोबेबिलिटी वाली, जहां पर आपको लगभग 10 नंबर के सवाल देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर पहली यूनिट से आपको 10 नंबर, दूसरी यूनिट से 13 नंबर, तीसरी यूनिट से 44 नंबर के आसपास, चौथी जो यूनिट है वो आपको 17 नंबर देके जाएगी, पांचवी यूनिट 6 नंबर की, और 6वीं यूनिट जो है वो लगभग 10 नंबर के सवाल देके जाती है। तो इस तरीके से अगर यूनिट वाइज देखते हैं तो लगभग यहां से आपके कंप्लीटली 100 नंबर हो जाते हैं। तो यूनिट की अगर हम लोग बात कर देते हैं, जहां पर बुक 1 और बुक 2 के पूरे जो अध्याय है उनको कवर किया गया है, जहां आपको 6 यूनिट टोटल मिलाकर देखने के लिए मिलती है, तो इस तरीके से जो बंटवारा होता है यूनिट वाइज चैप्टर वाइज वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं फुल प्रूफ स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, किस तरीके से आप आसानी से 90+95+ आप फोड़ के आ सकते हैं, फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है। और बहुत कुछ इसमें आपको करना नहीं है, बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देना, बहुत ही कम समय में आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, यहां से इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप अचीव कर पाए यही आपका गोल रहना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है, जो चीज आपको हर बार काम आएगी कहीं भी किसी भी जगह अगर मैं बात करूं तो वो है रेगुलर रहना। अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं नियमित, और ज्यादा नहीं कि ऐसा नहीं कि आपको लग के 10 घंटे पढ़ाई करनी है, लग के 12 घंटे पढ़ाई करनी, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, आपको मात्र और मात्र गणित के लिए 2 घंटे, अगर आप मात्र और मात्र नियमित तौर पे डेली के डेली 2 घंटे भी बहुत ज्यादा होते हैं 2 घंटे अपने आप में भी, अगर आप नियमित तौर पे रेगुलर तौर पे मात्र और मात्र 2 घंटे भी दे रहे हैं, तो आपका इस बार के बोर्ड एग्जाम में 90+95+ नंबर आना पक्का ही पक्का मान के चलिए, बिल्कुल 110%। लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है कि आप अपनी स्टडी जो करें मैथ के लिए 2 घंटे की रेगुलर स्टडी करें। और अगर मैं बात करता हूं भाई साहब आपको पढ़ना क्या क्या है, तो एनसीईआरटी आपको बुक पढ़नी है और आपको पीवाईक्यू लगाने, अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं और साथ ही जो मैं पीवाईक्यू कराऊंगा अगर आप उतना कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी 110% हो जाएगी, और 100 में 100 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस इसके साथ साथ आपको क्या कर लेना कि 200% रिविजन, देखिए हर कोई बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, एनसीईआरटी भी लगा लेगा, पीवाईक्यू लगा लेगा, लेकिन जहां बात आती है रिवीजन में तो वो बच्चा वहीं पीछे रह जाता है। ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको अपना रिवीजन 210% रखना ही रखना है, क्योंकि बिना नियमित तौर पे अभ्यास के, बिना रिवीजन के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यही सबसे बड़ा मंत्र है कि आपको रेगुलर स्टडी करनी है और आपको रिवीजन करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि यूपी बोर्ड में अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड का पेपर किस तरीके से आता है, क्योंकि आपको ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो पेपर आने वाला है यूपी बोर्ड में, खास तौर से मैं यहां पर बात करने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस सबके यहां एक जैसा है, हर जगह एक ही किताब पढ़ाई जाती है, लेकिन जो पेपर बनने का तरीका होता है वो हर एक स्टेट में अलग अलग होता है, बिहार में अलग होता है, यूपी में अलग होता है, एमपी में अलग होता है। तो मैं यहां पर जो पेपर बताने वाला हूं वो यूपी बोर्ड के हिसाब से पेपर बताने वाला हूं। अगर मैं बात करता हूं यूपी बोर्ड में तो क्वेश्चन कितने आते हैं, तो क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो 9 क्वेश्चन आते हैं। अब इन क्वेश्चनों के अंदर भी क्वेश्चन रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके पास मात्र और मात्र 9 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में आपके 5 MCQ रहते हैं, 5 आपको MCQ रहते हैं, जो कि हर एक MCQ एक एक नंबर का रहता है। तो यहां पर अगर आप 5 सवालों को लगाते हैं एक एक नंबर के हिसाब से, तो आपको यहां पर 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन 5 MCQ का रहता है।
अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन में भी आपके पास पांच क्वेश्चन दिए रहते हैं, पांच क्वेश्चन दिए रहेंगे और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। तो यहां से भी आपको पांच क्वेश्चन एक एक नंबर के हिसाब से आपके यहाँ पर पांच नंबर बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर दो, यहां पर आपके पास 10 क्वेश्चन है। कितने भाई? 10 क्वेश्चन है जो कि आपको 10 नंबर देके जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चन और 10 नंबर यहां से आपके एक एक नंबर के हिसाब से बढ़िया हो जाते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन और चार की, तो क्वेश्चन नंबर तीन और चार के अंतर्गत आपके पास चार चार क्वेश्चन रहते हैं। ये जो चार चार क्वेश्चन है, ये चार चार क्वेश्चन दो दो नंबर के रहते हैं। चार चार क्वेश्चन कितने नंबर के रहते हैं? दो दो नंबर के रहते हैं। यानी आपको 8 सवाल लगाने होते हैं, 8 सवाल दो दो नंबर के, और यहां से आपके 16 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने ये देखा कि पांच क्वेश्चन और ये 8 क्वेश्चन, यानी कि आपके पास 18 क्वेश्चन हो गए हैं और आपको यहां पर 26 नंबर मिल जाते हैं। 18 क्वेश्चन हो गए हैं आपके पास और ये आपके 26 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपके 5-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का दिया रहेगा और यहां से आप देखें कि अगर मैं बात करूं 5-5 क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास? 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 5 नंबर के हिसाब से आपको पूरे 50 नंबर देके जाते। ये सबसे बड़ा सेक्शन है, क्योंकि यदि आपने ये 10 क्वेश्चन कर लिए तो पूरे के पूरे आपके 50 नंबर फिक्स है, कहीं नहीं गए। और यही वो चीज हो जाती है जहां पर कई बार बच्चा अटक जाता है। तो इन 10 क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से टैकल करना है, बहुत अच्छी तरीके से देखना है। अब अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं भाई लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो आपके रहते हैं वो कहलाते हैं भाई लॉन्ग क्वेश्चन। और यहां पर आपके पास ऑप्शन दिया रहता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में आपके पास दो दो क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे? दो दो क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको एक ही अटेम्प्ट करना होगा। इस बात को ध्यान रखें, यहां पर आपको करने के लिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, जो कि हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का दिया रहता है। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का दिया रहता है और यहां से आपके पास 3 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन होंगे, एक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दो क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन होंगे और एक करना है। तो यहां से आपके पास एक 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 करके 3 क्वेश्चन रहते हैं और 8 नंबर का एक सवाल रहेगा, तो यहां से आपके पास 24 नंबर बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से नंबर जो है वो डिवाइड है, 5 नंबर 5 नंबर, 16 नंबर, 50 नंबर और 24 नंबर। तो यहां पर अगर आप टोटल करते हैं इन लोगों का, तो भाई साहब आपको 100 नंबर पूरे के पूरे देखने के लिए मिल जाते। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट सिलेबस देखा, जहां पर आपने ये जाना कि आपको गणित में पढ़ने के लिए दो किताबें दी रहेंगी भाई, एक में 6, एक में 7, कुल मिलाकर आपको 13 अध्याय देखने के लिए मिलते हैं। 100 नंबर अगर आपको लाना है, तो आपको मात्र और मात्र नियमित तौर पे 2 घंटे रेगुलर तौर पे स्टडी करनी है, आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है, साथ ही आपको पीवाईक्यू भी लगाने, और सबसे ज्यादा जरूरी बात है इन सब चीजों का आपको नियमित तौर पे रेगुलर होके रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यदि आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, आप इंश्योर करना चाहते हो कि इस बार के आपके 2025 में गणित में 100 में 100 नंबर आए, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप हमारा ये प्रचंड पीडीएफ बैच जरूर से जरूर ज्वाइन करें। इसकी फीस मात्र और मात्र 299 रुपीज रखी गई है। बहुत ही ज्यादा बच्चों को फायदा रहा है, हजारों हजार बच्चों ने इस चीज का फायदा उठाया, आप भी उनमें से हो सकते हैं। तो बैच जरूर से जरूर ज्वाइन करें। जहां पर अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं, तो कंप्लीट कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू देखने मिलेंगे और आपको लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर जो कि मिलेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के होंगे। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि ये यूपी बोर्ड के लास्ट ईयर के पेपर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6393666619 पर। बहुत ही बहुत मामूली फीस है, आप लोग बिल्कुल इस चीज का फायदा उठाइए। और 2025 बोर्ड में गणित का वो सब्जेक्ट होगा जहां पर आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के 110% तरीके से एकदम मुक्त होके, चिंता मुक्त होके पेपर देने जाएंगे, और ये गारंटी कि आप 100 में 100 फोड़ के आएंगे। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।